एमपीपीएटी 2024 के सिलेबस के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। काफी स्टूडेंट जो एमपी के हैं और एमपीपीएटी 2024 के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, और काफी बच्चे जो नए जिन्होंने अभी 12th किया है, एमपीपीएटी 2024 का एग्जाम देना चाहते हैं, इनकी मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी जो एग्रीकल्चर की कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं और एमपीपीएटी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन बच्चों को सिलेबस जानना जरूरी है कि किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन जब तुम शुरू करते हो तो उससे पहले अगर सिलेबस को अच्छे से रीड कर लेते हो, सिलेबस को अच्छे से ध्यान में रख लेते हो कि किस पॉइंट से कौन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपका सिलेबस है, जब ये सारी चीजें आपके माइंड में एक मैप के रूप में बन जाती है तो डेफिनेटली उस एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए बहुत इजी चीज हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एमपीपीएटी के सिलेबस के बारे में बताऊंगा और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में भी बताऊंगा। पहले पूरा एग्जाम पैटर्न है वो समझ लेते हैं। काफी बच्चे इस बात को लेकर परेशान है कि एमपीपीएटी 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म कब से आएगा, एमपीपीएटी 2004 का जो आपका एग्जाम है वो कब होने वाला है, और अगर एग्जाम होगा तो उसके बाद में कॉलेज में एडमिशन कब होगा। तो इनके लिए मैं जल्दी एक वीडियो नया लेके आऊंगा, लेकिन थोड़ी बेसिक चीजें बता दूं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रैल में आने की पॉसिबिलिटीज है, और आपका जो एग्जाम है जून लास्ट तक, जहां तक लग रहा है कि जून लास्ट तक आपका एग्जाम हो जाएगा, और जुलाई लास्ट और अगस्त के समथिंग आपके कॉलेज में एडमिशन होने शुरू होंगे। 99% पॉसिबिलिटी यही है, लेकिन एक जल्दी पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ में एक वीडियो आपको मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस करना, और फॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। सिलेबस को अच्छे से समझना अगर एमपीपीएटी 2024 में कुछ अच्छा करना है तो। अब देखो, एमपीपीएटी मध्य प्रदेश का जो एग्रीकल्चर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट है उनको, मतलब एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जिनके पास में 12th में पीसीएम है वो बच्चे दे सकते हैं, एक जिनके 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है वो पीसीबी वाले दे सकते हैं। फिर मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर के बच्चे अलग होते हैं जिनका एग्रीकल्चर बायोलॉजी कॉम्बिनेशन पूरा अलग होता है, तो एग्रीकल्चर ग्रुप वाले दे सकते हैं। उसके बाद में काफी बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर लेते हैं वो भी दे सकते हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब कौन कौन से कोर्स में आपको एडमिशन मिलेगा, जो मैथ से बच्चे हैं उनको बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री में, और बाकी जो भी बायो और एग्रीकल्चर के हैं उनको एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर में एडमिशन मिलेगा। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अब जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनके, देखो ये चीजें तो आपकी क्लियर हो गई कि फिजिक्स केमिस्ट्री से 50-50 क्वेश्चन आते हैं, और या तो आपके बायो उनसे 100 आएगा या मैथ है उनसे 100 क्वेश्चन आएगा। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, नॉन नेगेटिव, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है, पर ईच क्वेश्चन इज 1 मार्क्स, ओके। उसके बाद में एग्रीकल्चर के हैं तो उनके लिए एक तो एग्रीकल्चर फर्स्ट और एग्रीकल्चर 2+3 है, उनका सिलेबस भी जानेंगे। हालांकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का सिलेबस बता दूं, 11th 12th का आप चाहे तो स्टेट, हालांकि अब तो स्टेट बोर्ड वाली पुरानी अगर बुकें हैं तो आप वो भी साथ में यूज कर सकते हैं। बाकी 11th 12th के एनसीईआरटी के अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बच्चों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जो ऊपर के दो कॉम्बिनेशन ग्रुप दे रखे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब एग्रीकल्चर वाले बच्चों को क्या पढ़ना है, क्या करना है, ये चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रख लेना, बायो और केमिस्ट्री मैथ्स 11th 12th का पूरा एनसीईआरटी आपको पढ़ना है अगर एमपीपीएटी में अच्छा स्कोर करना है। अब एग्रीकल्चर वाले बच्चों को क्या करना है, तो एग्रीकल्चर वाले बच्चों के तीन कॉम्बिनेशन है जिसमें आपका एजी फर्स्ट है, तो एजी फर्स्ट में आपका एग्रीकल्चर फिजिक्स, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर बोटनी, जूलॉजी, यानी कि टोटल मिला के आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और 4 पार्ट है, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपके एजी फर्स्ट से है, 100 क्वेश्चन आपके एजी सेकंड और थर्ड से है, ठीक है। जो एजी फर्स्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं उनमें 100 क्वेश्चन में लगभग आपके 40 के समथिंग क्वेश्चन बॉटनी और जूलॉजी से है, और बाकी 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स से देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में एजी सेकंड है, उनमें आपका क्रॉप प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर है, जिनमें से लगभग आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
और उसके बाद में आपका एनिमल हस्बेंड्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिनमें आपका एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह ये सारी चीजें हैं, वो भी आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, टोटल आपके 200 क्वेश्चन है। चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर फिजिक्स के में बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक है सारे एग्रीकल्चर फिजिक्स के, जो आपके एमपी बोर्ड की बुक होती है एग्रीकल्चर फिजिक्स में, वही आपको फॉलो करनी है, ठीक है। ये सिलेबस आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर फिजिक्स का, ये जो 15 टॉपिक है यही आपको फॉलो करना है, इन्हीं को ही पढ़ना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं बता देता हूँ कि एलिमेंट्री आइडिया, हीटिंग इफेक्ट, करंट, जूल्स, डिटरमिनेशन ऑफ जूल्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओम्स लॉ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन उसके बाद में देखो ऑप्टिकल से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हालांकि क्वेश्चन सबसे आएंगे, जो इंपॉर्टेंट है उन टॉपिक का थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपका ये प्रेशर्स वाला, एटमोस्फेरिक प्रेशर्स है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें हाइड्रोमीटर्स वगैरह, ठीक है, आरडी बाय हाइड्रोमीटर्स, इनसे भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक है वो अच्छे से करके जाना, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से करने करके जाना। केमिकल बॉन्डिंग से काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, हालांकि इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा आप कोवेलेंट एंड को ऑर्डिनेंस बॉन्ड वगैरह अच्छे से देखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड वगैरह थोड़ा देखोगे तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा, आयनिक थ्योरी भी। उसके बाद में कोलाइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब बाकी थोड़ी थोड़ी चीजें देख लेना, केमिकल फर्टिलाइजर, न्यूट्रेंट वगैरह, इनका भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एग्रीकल्चर के साथ में, काफी चीजें कवर अप में आपकी हो जाती है। देन उसके बाद में नोमेनक्लेचर कंपोनेंट, आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और इसके बिना केमिस्ट्री में आप कुछ नहीं करके कर पाओगे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बायोकेमिस्ट्री को अच्छे से देख के जाओ ताकि तुम्हारे लिए पेपर केमिस्ट्री इजी हो जाए, ठीक है। मैथमेटिक्स में आप अर्थमेटिक को अच्छे से करके जाओ, बहुत अच्छा पेपर आपका चला जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे से करो, अर्थमेटिक, ट्रिगोनोमेट्री और स्टैटिक्स, ये तीन पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर, बॉटनी और जूलॉजी के बारे में। तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है जिसमें प्लांट एनाटॉमी, ठीक है, प्लांट एनाटॉमी से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉर्फोलॉजी से भी काफी क्वेश्चन आपको आस्क किए जाते हैं। तो क्योंकि एग्रीकल्चर का पार्ट है, ज्यादातर एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान से अच्छे से पढ़ना। एग्रीकल्चर, बॉटनी और जूलॉजी को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। इनके जो भी आउटलाइन दे रखे प्लांट्स में वो पढ़ना है आपको, फ्लावरिंग फैमिलीज पढ़नी है, ठीक है। कौन कौन सी फैमिलीज पढ़नी है आपको, कंपोजिट फैमिलीज पढ़नी है, लेग्यूमिनेसी पढ़नी है, कुकरमिट्स पढ़नी, सोलेनेसी, मालवेसी, इनके जो भी फॉर्मूलेज होते हैं वो आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। उसके बाद में प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो यार, बॉटनी और जूलॉजी से क्वेश्चन भी अच्छे खासे आस्क किए जाते हैं, और लास्ट में जाके आपका आता है प्लांट फिजियोलॉजी, जो एक इंपॉर्टेंट रोल है एनिमल किंगडम का। लगभग आपको बता दूं मैं, 20 प्लस क्वेश्चन आपको एनिमल किंगडम के देखने को मिलेंगे, ठीक है। 20 के समथिंग क्वेश्चन एनिमल किंगडम के आते हैं, तो बहुत अच्छे से करके जाओ, क्योंकि पूरा पूरा जूलॉजी का पार्ट है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर में। तो क्रॉप प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर में देखो, बेसिक चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि इसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितना इकोनॉमिक में एग्रीकल्चर का रोल है, ये सारी चीजें आपके लिए कॉमन है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में सॉइल साइंस आपका अच्छे से होना चाहिए, सॉइल साइंस में लाइक आपका सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है, उसके आपकी प्लास्टिसिटी हो गया, टेम्परेचर, जो भी मतलब बेसिक चीजें आप सॉइल साइंस में पढ़ रहे हो वो आपको पता होनी चाहिए। सॉइल का क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, एमपी में कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है, उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है वो आपको पता होना चाहिए। टिलेज के बारे में आपको काफी अच्छा आइडिया होना चाहिए, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्शन कैसे होता, कौन सी क्रॉप का होता है, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। इरिगेशन, लैंड ड्रेनेज के बारे में आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। वीड कंट्रोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्रॉपिंग स्कीम, और उसके बाद में आपका सर्वलाइन लेवलिंग चेन वगैरह, ये थोड़ा बहुत इनको भी अच्छे से देख के जाओ। तो ये है आपका एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी का पार्ट। उसके बाद में आता है आपका हॉर्टिकल्चर का। तो हॉर्टिकल्चर में पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, ठीक है, जिसमें वेजिटेबल्स आता है, पोमोलॉजी में फ्रूट्स आते हैं, उनका देखो लेआउट्स कैसे बनाए जाते हैं, ऑर्चर्ड्स के बारे में थोड़ा अच्छे से स्टडी करो, बॉटनिकल नेम है, कॉमन नेम है, क्रोमोसोम नंबर है, ये सारी चीजें आपको करके जानी है। कौन कौन से फ्रूट्स को ज्यादा पढ़ना है, पपाया हो गया आपका, बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, सिट्रस हो गया, ठीक है, और ग्राफ्ट, जो भी प्रोपोगेशन के मेथड है लाइक आपका ग्राफ्टिंग हो गया, बडिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, ठीक है। तो इन चीजों को भी बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री एनिमल एलिमेंट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग। तो एनिमल हस्बेंड्री और पोल्ट्री फार्मिंग, देखो जो 12th का 11th का आपको बुक है,
देख पूरा सिलेबस एमपीपीएटी का 11 12th की बुक के बेस पे आते हैं, इनको अच्छे से करो। आप नेमराज सुंडा को साथ में ले सकते हो क्योंकि बहुत अच्छा बुक है, मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट यही बुक करता हूँ, क्यों करता हूँ, कंटेंट बहुत अच्छा है। बाकी अगर काफी बच्चों को एग्रीकल्चर में नोट्स का दिक्कत होता है, नोट्स मिल नहीं पा रहा है, डेफिनेटली आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जो नंबर दे रखे हैं आप मैसेज करके छोड़ देना, मैं डेफिनेटली आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी मैंने नोट्स है वो सेंड कर दिए हैं, अभी तक आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाना। माई सेल्फ मई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, डेफिनेटली एमपीपीएटी 2024 में मैं जो चीजें बताऊं आप फॉलो करोगे तो आप टॉप जगह सिलेक्शन ही नहीं टॉप रैंक लेके आओगे। अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, आपके पास में मोर देन 3 मंथ का टाइम है, जितनी चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर करोगे डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा और फ्यूचर अगर बीएससी में एडमिशन लेते हो तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा। तो बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज आपकी है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमेशा ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑल एग्रीकल्चर स्टेट एंड सेंट्रल एग्जाम से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एशियन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।